शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये वाली बात तो जब मेरी शादी हुई ना, तो जब लड़ाई होगी तो इनका बेस्ट पार्ट ये है कि आप इनको कंप्यूटर्स ये कुछ भी दे, इनको ABC नहीं पता। आप इनका टीवी शीवी तोड़ दो, खराब कर दो, इनको कुछ नहीं पता कैसे लगाना है। तो जब मेरे साथ लड़ाई हुई, मैं कहा ये बंदा बड़ा बिजी बैठा है, कैसे टीवी देख रहा है। लड़ाई मेरे साथ हुई है, मुझे मनाए, मैं दूसरे कमरे में बैठी हूँ। अच्छा। मैंने बाहर जाके सारी तारें तूने खींच दी, सारे अखबार वूट पार कर दिए, बेचारा थोड़ी देर बाद बोर हो गया। इसको तार लगानी नहीं आती अभी तक टीवी। अच्छा भाभी जी, कुछ नहीं आता इसको, तार लगानी नहीं आती। मैं टीवी मैकेनिक हूँ, तार लगानी नहीं आती। अरे तो उसमें क्या हो गया भाभी जी? मैं डॉक्टर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, बट मैं कर रहा हूँ। भाभी जी, भाभी जी कोई नहीं, RGBG। RGBG क्या? बात गई, बात गई। कितना नहीं पता तुमको? आए, मैं को आपसे जोक सुनना है बस। वो आपको क्यों जोक सुनाएंगी भाई दबे? अरे देवर भाभी का रिश्ता हंसी मजाक वाला होता है यार, हमको नहीं सुनाएंगे तो किसके लिए सुना देंगे? बट एज ए डॉक्टर मेरे कुछ फर्ज है, मैं आपके टेस्ट करना चाहूंगा। मेरे मतलब आप, आई वुड लाइक टू डू जोड़ों का टेस्ट करना चाहूंगा। वो बिल्कुल फिट है, वो क्यों जोड़ों का टेस्ट करेंगे आप? नहीं फिट नहीं है, घुटना दुखता है। अच्छा। नहीं, मैं जोड़ों का टेस्ट करना चाहूंगा। करो जी। अगर आप नकली निकले तो मैं अंदर करवा दूंगी, मंत्री हूँ। जोड़ों का टेस्ट मतलब? अगर आपने गलत किया ना तो मुझे पता है। देखिए जोड़ों का, आप अकेले का टेस्ट नहीं करते। तो मैं इसको भी कह देती हूँ कि मुझे कभी टॉर्चर करने की कोशिश की तो पंजाब पुलिस बुला के अंदर करवा दूंगी। आप देख लो। अगर सिद्धू साहब, मुझे लगता था आप ही बहुत ज्यादा बातें करते हैं, पर मैडम तो कमाल है। हमें मुद्दे पे नहीं आने दे रहे। हमें मुद्दे पे नहीं आने दे रहे। बट आई मस्ट से आई हैव अ बिजी डे एंड इट इज अ रेनी डे, और बाहर पीछे बहुत पानी इकट्ठा हो गया, मैं किश्तियां बनानी है मुझे जाके। सो सिद्धू साहब, Yeah, have apple a day, keep the doctor away. Yeah. Oh. पाजी, ये तो डॉक्टर है, पागल है, आपके जोड़ों को टेस्ट कर रहा है ये। अगर आप कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों साथ में, हमसे पूछिए और यहाँ पे बैठे लोगों से पूछिए। और ये सब लोग जब आप नहीं आए थे ना पाजी, सब लोग बोल रहे थे कि आज मिसेस सिद्धू आने वाली हैं, तो आप दोनों को किसी लाइटिंग का भी इंतजाम किया हुआ है। तो ये कोई चाहते हैं कि आप भाभी के लिए कोई रोमांटिक गाना गाओ, गाना पीछे चलेगा। गा भी देते हैं। अरे इनको गाना आता है। हैं पाजी? हाँ। चलो फिर दोबारा रिक्रिएट करते हैं मोमेंट। लाइटिंग देखो तो आप पे गाने निकल रहे हैं, ये देखो। ओहो। सो मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू एंड मिसिज नवजोत कौर सिद्धू लाइव। एक आपकी अपनी बीवी है यार, क्या कर रहे हो? देखो तू दुखती रख दे नजर। मैं तो बोल रहा, आप लोग चाहते हैं तो बताओ। हाँ जी, अब तो जनता जनार्दन ने बोल दिया। जी और कोई मेरे दोस्त? जी मैडम, सबको प्रॉब्लम है अभी। जी हाय कपिल। हाय। हाय सिद्धू जी। हेलो मैम। सिद्धू जी, कपिल जी बोल रहे हैं कि किस किस को समस्या है, तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि मुझे समस्या नहीं है कि ये समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि मैं इंस्पेक्टर हूँ मध्य प्रदेश पुलिस से, देवास डिस्ट्रिक्ट में। तो आपके हस्बैंड भी पुलिस में? जी जी, मेरे हस्बैंड DSP हैं, फायर सर्विसेज इंदौर, मैं भी। यार बड़ा मजा आया, दोनों मियां भी पुलिस में। तो आप दोनों में से डराता कौन है दूसरे को? दोनों पुलिस में, जैसे ये दोनों पॉलिटिशियन, आप दोनों ही पुलिस वाले, वाह। एक्चुअली में क्या है, जैसे अभी कुंभ हुआ था उज्जैन में जी, तो इनके 3 मंथ्स की सर्विसेज इनको देनी थी उज्जैन में। अच्छा। और मैं भी देवास में कंट्रोल रूम इंचार्ज हूँ, देवास और उज्जैन का डिफरेंस 30 मिनट्स का है। ओके।
तो मैं अपना शेड्यूल कंप्लीट करके अपनी सर्विसेज दे के शाम को 7 बजे 8 बजे 9 बजे अपनी बेटियों को लेके मैं वहाँ पहुँच जाती थी. तो समय तो मैनेज करना पड़ता है, 24 घंटे ही हैं दिन में. क्या बात है यार, ये सैल्यूट है आपको. आप घर भी संभालती हैं जी, जी. ड्यूटी भी करती हैं. बहुत अच्छा लगा मैम आपको देख के, आपसे मिल के. पता है भगवान ने माँ बनने का जो है सौभाग्य इसीलिए औरत को दिया है, क्योंकि पेशेंस जो है ना एक औरत में, वो दुनिया में और कहीं किसी प्राणी में देखने को नहीं मिल सकती. और आप धन्य हैं, आपको सैल्यूट है मैम. थैंक यू, थैंक यू. और अभी इनका डिवोशन ये है कि सिंहस्त में कुंभ के समय ये इतने बिजी रहे कि ये हमको कहीं भी वैकेशंस पे नहीं ले जा पाए जी. तो इन्होंने ये शेड्यूल तय किया था कि भले ही स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, 2 दिन के लीव ले लेंगे, लेकिन 5 डेज का हम लोग भी टूर यहाँ का लेके आए हैं. और स्पेशली आज के शो के लिए हमने अपनी ट्रेन भी मिस कर दी है. वाओ स्वीट, थैंक यू सो मच. और ये पुलिस महकमा ऐसा एक डिपार्टमेंट है जिसमें कोई छुट्टी नहीं, क्योंकि मेरे फादर साहब पुलिस में थे तो मुझे पता है कोई छुट्टी नहीं पूरे साल में. और आप लोगों को ये बड़ी थैंकलेस जॉब है, आपको सैल्यूट है. आप लोग बहुत मेहनत करते हैं और आपकी वजह से हम लोग अपने घरों में चांसेस होते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए सर. थैंक यू. राबिया आप भी ऊपर आ जाइए. मम्मी पापा के साथ बैठी, पूरी फैमिली कंप्लीट होनी चाहिए. हालांकि पाजी का बेटा आज नहीं आ पाया, वो बिजी था. हाँ जी. आप यहाँ बैठकर मुस्कुरा रहे हैं. हाँ, और हम कब से पुराने किले में बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे. पुराना किला तो खुद हो आप. आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्या क्या काम करते हो शो पे? मुझे यही करना रह गया कोई और? माफ कीजिएगा, इन्होंने हमसे खुद कहा था क्या कि ओ गुरु मोहतरमा, हम शूटिंग खत्म करके आएंगे, फिर हम दोनों पुराने किले जाकर बारिश में बुट्टे खाएंगे. भूल गए आप साहिब आलम? झूठ है सब. साहिब आलम, आपकी मोहब्बत में इस दिल को मुरब्बा बना देंगे. आप थोड़ा सा प्यार तो दीजिए, आपको अब्बा बना देंगे. बेगम साहिबा, मेरी बात सुने आप. आप उस प्लॉट पे कब्जा करने का क्यों सोच रही हैं जिनकी रजिस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है? इनसे मिलिए, ये है मिसेज नवजोत सिंह सिद्धू. ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम. ये है गुनाह अज़ीम, बेमुरव्वत, बेवफा, बेगाने. आप शादीशुदा हैं? शी, फिर रोज सुबह 3 बजे आप हमें SMS क्यों करते थे? लल्ला कौन सा SMS चेक कर? बिल्कुल मुझे 3 बजे मैं कभी उठता ही नहीं हूँ, तो मैं तो SMS कैसे करूँ? SMS करना ही नहीं आता. अच्छा, ये तो मुझे लंच पर भी ले गए थे. जी हाँ ख्वातीन और हजरात, ये हमें लंच पर ले गए थे. खाना खत्म करके मुझसे कहते, ओ गुरु बेगम, मैं हूँ तेरा जानू, तू मेरी दिलबर, ठोस ठोस के खा लिया, चल अब तू बिल भर. अरे इतना ही कुछ नहीं, आपको पता है ये जो शेरो शायरी अर्ज करते ना, हमने ही तो इन्हें सिखाया था. ओ, ये झूठ से ऊपर की कोई बात करी आपने? ये कही ना आपने जहालत वाली बात. अच्छा, तो आपने आके बड़ा हमें अच्छे से शड़प. आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई बहन. देखिए जब बात इतनी बड़ी गई है तो मैं क्या करी थी बहन. हाँ जी. कुछ ऐसा कीजिए ना, ट्राई कीजिए कि किसी तरह से आप दोनों के बीच में मैं एडजस्ट हो जाऊं. आप हो तो गए हो ऑलरेडी. नहीं यहाँ नहीं, घर पर भी. देखिए बुरा मत मानिएगा, डुअल सिम का जमाना है, एडजस्ट तो हो ही जाता है. है ना? आग, आग. आँखों को शराब करके तो देखो, होठों को गुलाब करके तो देखो,
इस खंडर में भी आएगा आपको ताजमहल का मजा, बस एक बार नियत खराब करके तो देखो। देखो जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि दिवाली के बाद आता है न्यू ईयर, न्यू ईयर के बाद आती है लोहड़ी, लोहड़ी के बाद आती है राखी। मैं वहां बैठा था, कोई भी हो जाए गुस्ताखी तो कोई बात नहीं, भाभी जी आई है, चलता है एक दिन ना। ठीक है भाई, ठोको ठोको। एक बार मिसेस नवजोत सिंह सिद्धू के लिए जोरदार तालियां। राबिया भाभी, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए और इतना मजा आया, मुझे लगता है मेरी लाइफ का बेस्ट एपिसोड है। थैंक यू सो मच भाभी जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। मनी 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 उंगली पे घुमाए तक दिन 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 मचाए, हाय 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 रे पैसा नहीं कोई उसके जैसा, पड़ जाए जिसके पल्ले आहू आहू बल्ले बल्ले।